जिंद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। एक तो जिंद हरियाणा के केंद्र में है, दूसरा संभवतः एकमात्र ऐसा जिला होगा जिसकी चार विधानसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पड़ती हैं। नरवाना विधानसभा सिरसा लोकसभा में आती है तो उचाना हिसार लोकसभा में, वहीं जिंद जुलाना और सफीदो सोनीपत में आते हैं। लेकिन इस शहर का दुर्भाग्य ही है कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र के लोगों को लोकसभा में कोई राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं मिली है। संभवतः यही वजह है कि इस बार यहां के लोग सोनीपत लोकसभा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इनकी शिकायत है, सोनीपत से लोकसभा का चुनाव जीतने वाला केवल सोनीपत के आसपास के इलाके में ही विकास कराता है। जिंद आज भी विकास के मामले में खूब पिछड़ा है, लेकिन सोनीपत लोकसभा से जीतने वाले उम्मीदवार का ध्यान जिंद या जिंद से जुड़े विधानसभाओं पर नहीं जाता है। इस बार भी बीजेपी ने मोहनलाल कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि राय विधानसभा से विधायक है और सोनीपत में खूब सक्रिय रहे हैं। ये वो मुद्दा है जो कांग्रेस अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कोई वॉकओवर नहीं देना चाहती है। उसकी कोशिश है कि बीजेपी के सामने मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जो लोकसभा चुनाव के सभी गणित बदल दे और कांग्रेस की जीत हो। तो सोनीपत में कांग्रेस की क्या रणनीति है, आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है कि जिंद के लोग इस बार अपने क्षेत्र के लोगों को ही मौका देने के मूड में हैं। ऐसे में दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। एक है बृजेंद्र सिंह का, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र अभी हाल ही में बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हालांकि उनकी चर्चा ज्यादा हिसार लोकसभा के लिए हो रही है, उनकी इच्छा भी है वहीं से लड़ने की, लेकिन पार्टी के नेता उन्हें सोनीपत से लड़ाने के पक्ष में हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बांगर के चौधरी हैं। अगर बृजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ते हैं तो कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। दूसरा नाम सतपाल ब्रह्मचारी का है। सोनीपत से कांग्रेस के टिकट पाने वाले नामों में सतपाल ब्रह्मचारी सबसे आगे हैं। सफीदों के गांगोली गांव के हैं। इनका जिंद के हलकों में बड़ा प्रभाव है, खासतौर पर गैर जाट वोटों में बड़ी पैठ है। मोहनलाल कौशिक की तरह ये भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अगर जाटों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ लोकसभा चुनाव में नहीं छोड़ा तो सतपाल ब्रह्मचारी को हराना नामुमकिन है। कांग्रेस को गैर जाट वोट तो मिलेंगे ही, जिंद के वोटरों का भी खूब साथ मिलने जा रहा है और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होंगी कि सोनीपत लोकसभा का प्रतिनिधित्व कोई जिंद के उम्मीदवार करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।